कम पैसे में ज्यादा बिक्री कैसे करें, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। सन्मित्र बैंक का मैं चेयरमैन हूं। हम हमारे जो बोरोअर्स हैं उनके लिए काफी बिजनेस सेमिनार्स लेते हैं, उसके अंतर्गत मैं उनसे और आपसे बातचीत कर रहा हूं कि कम पैसे में छोटा बिजनेसमैन जो है वो अपना बिक्रा कैसा बढ़ा सकता है, कैसा मार्केटिंग कर सकता है ताकि वो आगे बढ़ सके और ज्यादा पैसा कमा सके। तो ये आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं अकोला में मनोविकार तज्ञ करके प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि छोटा बिजनेसमैन जो है वो टीवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, बहुत कॉस्टली हो जाता है। अभी अभी बिजनेस चालू किया है तो उसको वो पुराएगा ही नहीं, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कम बजट में, कम पैसे में मेरा प्रोडक्ट लोगों तक मैं कैसा पहुँचाऊँगा। तो उसको ये जरिए निकालने पड़ेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, मार्केटिंग करना, मगर कम बजट में, कम पैसे में। देखो, कोई बिजनेस सस्टेन करना है तो उसको मार्केट में उसका प्रेजेंस बताना पड़ेगा। जब तक मार्केट में प्रेजेंस नहीं बताएगा तब तक उसका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। और वो टॉप ऑफ द टाउन होगा मगर बहुत कम समय के लिए होगा, जब तक वो कंसिस्टेंटली उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। तब तक कंसिस्टेंटली एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो टॉप ऑफ द टाउन होगा, नहीं तो टॉप ऑफ द टाउन जो है वो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए हो जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा। क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो बार 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 दिखना जरूरी है मार्केट में, और वो कम पैसे में होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 8 स्ट्रेटेजीज जिसमें आप कम पैसा लगाएंगे या बहुत कम पैसा या पैसा लगाएंगे भी नहीं और आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी और लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत ही अखाड़ा अनोखा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपने चलाया तो वो चर्चा हो जाती है मार्केट में, लोग उसको फेसबुक में, अपने ग्रुप में उसको फैलाते हैं और आपकी एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। तो आइए हम देखेंगे कि क्या क्या, कौन से तरीके हैं। तो पहला है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। आपको बताऊंगा कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में ग्राहकों को एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास में आ जाता है। जब उसको अच्छा अनुभव आ जाता है, कुछ तो भी एक अलग अनुभव आ जाता है, तो वो ग्राहक आपके पास में आकर्षित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ फ्री सैम्पलिंग देते हैं, जैसा कि फार्मा कंपनी में बहुत ही कॉमन होता है कि वो सैम्पलिंग करते हैं। और फिर मिठाई की दुकान है, समझो आप वहाँ जाते हैं तो मिठाई की दुकान वाला आपको सैम्पलिंग देता है, आपको एक अनुभव करवाता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका अनुभव ले लो। या फिर आम वाला आम बेचता है तो उसको बोलता है कि ठीक है भाई आप थोड़ी टेस्ट करके देखो, या कोई भी ऐसा आदमी आपको एक्सपीरियंस करवा के देता है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, जिससे फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने लेना चाहिए। नंबर दो है प्रिज्यूम मार्केटिंग। प्रिज्यूम मार्केटिंग ऐसा होता है कि जिसमें आपका प्रोडक्ट एक अलग तरीके से लोगों के सामने लाया जाता है। मतलब समझो फर्नीचर का दुकान है तो वहाँ बाहर फर्नीचर लटका के रखा हुआ है, जूतों का दुकान है उसके सामने बाहर जूते लटका के, हवा में लटका के रखे हुए, लोगों को तो भाई क्या है भैया, क्या चल रहा है। या कोई जोकर बाहर खड़ा है और वो कुछ तो भी ऐसे फनी चीज बाहर जाके कर रहा है, या बहुत ही कोई एकदम आधा तेरा ऊंचा आदमी रखा हुआ है, एक छोटा आदमी रखा हुआ है सामने और वो आपको आओ जाओ कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो भी अनोखा कि जो लोगों को ख्याल में रहेगा और लोग ही उसका फोटो खींचेंगे, अपने अपने ग्रुप में डाल देंगे, फेसबुक में डाल देंगे और आपका मार्केटिंग लोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रिज्यूम मार्केटिंग। तीसरा है वायरल मार्केटिंग। इसमें क्या है, लोगों को एक सरप्राइज आता है, लोगों को एक शॉक बैठता है और लोगों को एक डिलाइटफुल ऐसा कुछ भी अलग उसको आनंद आ जाता है, एक अलग तरीके से वो प्रेजेंट हो जाता है। एक मोची है, अपने मोची की दुकान के सामने उसने लिखा हुआ है जख्मी जूतों का अस्पताल। अब जख्मी जूतों का अस्पताल बोले तो सब उसको लोग डॉक्टर डॉक्टर कह रहे। अब हालांकि बहुत ही सिंपल है, मोची है, मगर जख्मी जूतों का अस्पताल वो लोगों ने फोटो निकाल के, फोटो खींच के वायरल कर दिया और उसका काफ़ी सारा मार्केटिंग हो गया, लोगों की भीड़ वहाँ आने लगी। तो उसको बोलते हैं कि वायरल मार्केटिंग। चौथा है वाइल्ड पोस्टिंग, जिसमें ग्राफिक्स या बड़े पोस्टर्स या विजुअल्स ऐसे लगा देते हैं कोई जगह पे, एकदम क्राउडेड प्लेस पे, जहाँ लोग देखते हैं उसमें कुछ तो भी अनोखा प्रेजेंटेशन रहता है, और वो अनोखा प्रेजेंटेशन लाइक ड्यूरासेल्स, मैकडोनाल्ड्स, एक अनोखा प्रेजेंटेशन रहता है और वो प्रेजेंटेशन देख के लोग वहाँ आकर्षित होते हैं, लोग फोटो निकालते हैं, वहाँ खड़े रह के फोटो निकालते हैं और आपका वायरल कर देते हैं। फिर पांचवा है रब ऑफ इफेक्ट। रब ऑफ इफेक्ट इसका मतलब ऐसा है कि जो भी अभी चल रहा है ट्रेंड, ट्रेंडिंग गाना हो, ट्रेंडिंग एक आधा मूवी हो उसका नाम ले लिया, ट्रेंडिंग एक आधी घटना हो, अभी जैसा कोरोना चल रहा है तो उसका नाम ले लिया और उसका नाम लेके अपना कुछ तो भी गाना बना दिया, लोगों के सामने ला लिया। जैसा है था अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, अमेरिका गए तो वो एकदम टॉक ऑफ द टाउन हो गया, पूरे देश में चर्चा हो गई। तो अमूल बटर ने तुरंत क्या किया, अमूल बटर ने उसका जो है कि जिसकी चर्चा हो रही है वो लिया और अपनी जाहिरात कर ली। उन्होंने जाहिरात क्या किया, मोदी यूनाइटेड टेस्ट
ऑफ अमूलिका, तो यूनाइटेड टेस्ट ऑफ अमूलिका अमूल बट रखाओ, उधर मोदी का फोटो दिख रहा है, मतलब इस तरह का ऐसा कुछ तो भी कि जो लोगों को आकर्षित कर लेगा। और जैसा अभी सुंदर पिचाई का प्रमोशन हो गया, उसने अमूल बटर ने लिया सुंदर पी चाय, और चाय के साथ में क्या लेते हैं, बटर और पाव, अमूल बटर, उसकी जाहिरत हो रही है। मतलब ऐसा कुछ तो भी जो ट्रेंडिंग है उसका उठा के कुछ तो भी अपने एडवर्टाइजमेंट में वापरना, ताकि लोगों के दिमाग में कानों पे वो चलते रहता है, उसका वापर करना और लोगों के सामने लाना, उसकी चर्चा होती जाती है, लोग उसको वायरल कर लेते हैं। छठवा है ग्रास रूट मार्केटिंग। अब ग्रास रूट मार्केटिंग जो है कि कोई एकाधिक कम्युनिटी पकड़ लेना, समझो सिख कम्युनिटी है, अब सिख कम्युनिटी है, गुरु नानक जयंती है, अब उनके लिए कुछ तो भी आप स्पेशल ऑफर ला रहे, तो बस सब सिख लोग आपकी दुकान पे आ रहे और आपका सेल बढ़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो भी आप कर रहे हैं। अभी आपने लिखा कि नहीं, हमारे सिटी के वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14 ये लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, और वो आते हैं, उनका कार्ड बताते हुए उनको ऑफर दी जाती है, लोग एकदम भीड़ में लग जाते हैं और वो वहाँ आके खरीद लेते हैं, तो ऐसा वो ग्रास रूट मार्केटिंग इसको बोलते हैं। ग्रास रूट में जाना, कोई स्पेशल कम्युनिटी है उसके लिए काम करना। सातवां है एम्बिएंट मार्केटिंग। एम्बिएंट मार्केटिंग मतलब ऐसा है कि एक एम्बियंस उसका दिखता है, एक ऐसा बहुत ही सुंदर दिखता है, कुछ तो भी अलग दिखता है। अब जैसा किटकैट का एडवर्टाइजमेंट था बगीचे में या एकदम क्राउड प्लेस में, उन्होंने बेंच लगाया हुआ है, आधा बेंच जो है वो किटकैट का जो चॉकलेट है उसका वो एडवर्टाइजमेंट बताया है, आधे बेंच के अंदर उसने चॉकलेट का रंग दिया हुआ है वो बेंच को, और वो दिखाई देता है कि एकदम जैसा चॉकलेट जैसा वो बेंच है, एम्बियंस, और वहाँ वो एक सुंदर मतलब सब अच्छा दृश्य है, डेकोरेशन अच्छा है, मतलब जहाँ अच्छी जगह है, बगीचा है, और यहाँ कहीं मतलब मॉल है, कि जहाँ ये फटाक से लोगों के सामने आ जाएंगे और एम्बियंस भी वो जगह का बढ़ा जाएगा, तो एक एम्बियंस मार्केटिंग हो गया। आठवां है कि एक स्पेशल ऑफर्स कुछ लाते हैं लोगों के लिए, कि जिसमें आपको मालूम है कि पहले ही आपने आपकी कीमत बढ़ा के रखी हुई है और फिर लोगों को आप वो ऑफर देते हैं। उसमें क्या है कि अभी एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि भाई लड़की हमारे यहाँ पैदा होती है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो आपको फ्री दिया जाएगा। बेटी बचाओ जो था अपना नारा अपने देश का, बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ के अंतर्गत यदि बेटी होती है तो डिलीवरी का सिजेरियन का कुछ पैसा लेंगे नहीं, बेटा हो गया तो पैसा लेंगे। नेचुरली क्या हो गया, लोगों की भीड़ हो गई, बोले बेटी हो गई तो पैसा लगना ही नहीं है, और मालूम नहीं 50-50 चांस है, 50% चांस है कि बेटी होंगी, 50% चांस है बेटा होगा, पहले प्राइस बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, अभी जो उनको बेटा हो रहा उनसे प्राइस ले रहे, क्या हो गया कि एक अनोखा ऑफर दे दिया, तो लोगों ने इसको वायरल कर दिया, और उसको वायरल करके लोगों के सामने उसको काफ़ी डॉक्टर की तरफ भीड़ होना चालू हो गया। तो ऐसे ही मैंने 8 प्रकार बता दिए, ये आप करते हैं तो काफ़ी बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए लोग इसको वायरल करते हैं, और लोग वायरल करके लोगों के दिमाग में काफ़ी अच्छा घुस जाता है, बैठ जाता है, और आपका बिजनेस भले स्मॉल बिजनेस है तो आपका चल जाएगा। वीडियो आपका अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।